दिवाली के महोत्सव पर आप सबको साधुजनों असंख्य बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज से इस महोत्सव का प्रथम दिवस शुरू होता है। 5 दिनों का ये महोत्सव है, धनतेरस से शुरू होता है, भैया दूज तक चलता है, समाप्त होता है, संपन्न होता है भैया दूज को। 5 को दीपावली है, मुख्य पर्व। आज ही आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमात्मा सत्व सक्षांति बख्शे, नाम भक्ति बख्शे, आत्मज्ञान बख्शे, संयमी सदाचारी जीवन बख्शे, दिव्य जीवन बख्शे। परमेश्वर हम सबको अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, अच्छे साधक बने, ताकि जिस लक्ष्य के लिए ये जीवन मिला हुआ है उस लक्ष्य की पूर्ति हो सके। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। यदि कुछ साधक साधकों आज से या इन दिनों व्रत लेना चाहिए कि वे रोज गिनती का 20,000 जाप किया करेंगे, रोज आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को ध्यान के लिए बैठा करेंगे, सुबह का समय 5 से 5:30 या उससे पहले, साय का समय 6:30 से 7 बजे या फिर सोने से पहले, रोज श्रीमतवाणी का पाठ किया करेंगे, रोज स्थित प्रज्ञ के लक्षण या उपास्य का आंतरिक जीवन या कथा प्रकाश से, भक्ति प्रकाश में जो कथा प्रकाश है उससे 1-2 पृष्ठ पढ़ा करेंगे। यदि कुछ साधक ऐसे हों जो ऐसे व्रत का पालन करना चाहें, बहुत से हो सकता है कर भी रहे हों, लेकिन जो साधक ऐसा व्रत लेना चाहते हैं, मेहरबानी करके आज या इन दिनों श्रीमती कपिला जी को या अनिल दीवान जी को अपने अपने नाम लिखवाते जाएं। नाम सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहेगा कि हमने श्री राम शरणम में बैठ के ये व्रत लिया है, उसके बाद हम कहीं भी हैं हम इसका पालन करेंगे। कुछ स्थानों पर ये सब शुरू हो गया हुआ है, साधकों में जो उत्साह देखने को मिला है मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ग्वालियर से शुरू हुआ, रोहतक वालों ने फॉलो किया, अभी जम्मू में तो अति हो गई, कई दिन तक वे अपने नाम लिखवाते रहे, तो इससे प्रभावित होके, प्रसन्न होके, हर्षित होके सोचा आज की ये सूचना तो शायद विश्वभर में जाएगी, तो आप भी यदि ये शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। जो कुछ कहा है ऐसा नहीं सोचना कि, और ऐसा नहीं कहना ऐसे लोग अपना नाम ना लिखवाएं जो ये कहते हैं कि हमारा जाप चलता रहता है, नहीं, ये गिनती का 20,000 जाप वह उससे अधिक, जो गिनती करें सुबह शाम ध्यान के लिए बैठें, अमृतवाणी का पाठ रोज करें एवं उपासक आंतरिक जीवन या स्थित प्रज्ञ लक्षण रोज पढ़ें या कथा प्रकाश से 1-2 कथा रोज पढ़ने का व्रत लें, केवल वही नाम लिखवाएं, कोई मजबूरी नहीं,
कोई बंधन नहीं, आप स्वतंत्र हैं, यहां कर सकते हैं, फरीदाबाद तक कहें तो फरीदाबाद कर सकते हैं, पलवल कर सकते हैं, जहां कहीं के भी हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आपको श्रम शरण में बैठ के ही करना है। संभवतः इंदौर में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, शायद कुछ जगहों पर अनाउंसमेंट हो भी चुकी हूं और उनमें शुरू भी ऐसा सिलसिला कर दिया हो, तत्काल शुरू कर देते हैं लोग, बहुत से तो करते ही हैं, एक नियम पूर्वक इस व्रत को निभाने का, जो व्रत लेना चाहते हैं लेते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मेहरबानी करके इन दिनों बहुत अच्छे दिन हैं, आज से शुरू करना चाहे अति शुभ दिन कल कीजिएगा, परसों कीजिएगा, नव वर्ष है दीपावली के बाद उस दिन शुरू करना चाहे उससे शुरू कीजिएगा। ये पांचों दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, संकल्प लें, व्रत लें और इसका पालन करें। हार्दिक धन्यवाद। आज सर्दिक चुनाव स्वामी जी महाराज ने नारायण धर्म के अंतर्गत महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का वर्णन शुरू किया है। स्वामी जी महाराज के हस्तलिखित कागजों में पतंजलि योग भी स्वामी जी महाराज ने शुरू किया था लिखना, लेकिन शायद अधूरा ही रह गया, वह पूरा नहीं कर पाए। आठ अंगों का ये योग स्वामी जी महाराज ने नाम से यदि अधिक नहीं तो कम से कम पांच का वर्णन तो भक्ति प्रकाश में किया ही हुआ है। मानो वो भी मानते थे कि जो इस महर्षि ने लिखा है, जो पालन करने के लिए कहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, चाहे वह नाम का उपासक है, हठ योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, हर एक के लिए यम नियम का पालन करना ऋषि मुनि अति आवश्यक समझते हैं। नियम है साधना संबंधी नियम, पांच यम हैं, पांच ही नियम है, पांच गुण हमें समाज में एक साधक को कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके अंतर्गत जो पांच गुण हैं वह यम के अंतर्गत हैं। अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए, अपने व्यक्तिगत उद्धार के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए कम से पांच गुण होने चाहिए, वह नियम के अंतर्गत है। पांच ही गुण यम में है, पांच ही पालन करने योग्य तथ्य नियम में है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये आठ अंग हैं अष्टांग योग के पतंजलि जी के। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, योग के मार्ग पर चलने वाले साधकों को तो ये सब कंठस्थ हैं और एक एक गुण का यथासंभव मन को मार के एक एक का पालन करने की ही चेष्टा करते हैं। सत्य तो यह है, इन गुणों को धारण करना, इन गुणों को पालन करना ही उनकी मुख्य साधना है। यम के अंतर्गत आज स्वामी जी महाराज ने पांच गुणों के नाम लिए हैं, अहिंसा, सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना एवं अनावश्यक संचय नहीं करना भौतिक पदार्थों का, अपरिग्रह।
आज एक ही पढ़ा गया है, अहिंसा। बहुत कठिन काम है साधकजनों, स्वामी जी महाराज जैसे महान संत भी स्वीकार करते हैं। इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। बहरहाल हमें बहुत डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं, हम तो छोटे साधक हैं और छोटे ही बन के रहना चाहते हैं। ये आत्मिक उन्नति का चिन्ह है कि अपने आप को छोटा मानना और छोटा ही बना के रखना, बहुत आगे आगे नहीं करना, पीछे पीछे रहना। ये भक्ति मार्ग के अनुयायी के चिन्ह हैं, ये आत्म उत्थान के चिन्ह हैं। साधक परमात्मा की ओर जितना आगे बढ़ता जाता है उतना वह छोटा होता जाता है, उतना अपने आप को वह छोटा समझने लग जाता है, उसका ईगो उतना ही श्रिंक होने लग जाता है, बहुत दुबला पतला पड़ जाता है वह। मानो ये अहंकार रूपी रोग, महारोग, बहुत मामूली सी पीड़ा जैसा रह जाता है, मामूली सा दुख देने जैसा रह जाता है, या मामूली सा रोग रह जाता है। वह अपनी साधना से, परमेश्वर कृपा से इस रोग से रहित हो जाता है। किसी को साधक सुनो अपने रहित, अपने को छोड़ के किसी को बुरा ना समझना, किसी का बुरा ना सोचना, ना किसी के लिए बुरा बोलना, ना ही किसी का बुरा करना, ये अहिंसा के अंतर्गत है। ना ही किसी को बुरा समझना, ना ही किसी का बुरा सोचना, ना ही किसी को बुरा कहना और ना ही किसी का बुरा करना, ये बातें यदि हमारे जीवन में उतर जाएं, तो हम अहिंसा रूपी परम धर्म का पालन कर रहे हैं। बाकी सब बातें साधक जनों बहुत बड़ी बड़ी हैं, स्वामी जी महाराज लिखी हैं, लेकिन अंत में यही कहा कि बहुत कठिन है इसे समझना कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है इस संसार में रहते हुए। अतएव जो सार हमारी समझ में आया वह यही है कि किसी को बुरा समझना नहीं, किसी का अनिष्ट सोचना नहीं, किसी को अनिष्ट कुछ कहना नहीं और किसी का अनिष्ट करना नहीं, ये अहिंसा के अंतर्गत ही है। इतना अच्छी तरह से पालन हो जाए साधक जनों तो अति सुंदर है। सत्य की महिमा तो आप सब जानते ही हो। यदि अहिंसा परम धर्म है तो सत्य भी ऐसा ही है, सत्य ही ईश्वर है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, प्रभु राम ने भी कहा है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य का पालन करना साधक जनों बहुत उच्च बात है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत कठिन बात है, परिभाषित करना इसे भी बहुत कठिन है। संभव जितना हमसे हो सके उतना करना चाहिए। एक राजा के पास मैना थी, सोरी के पिंजरे में बंद, मेवा इत्यादि रोज उसे खाने को मिलता है, बहुत अच्छा खाने को मिलता है। इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वह मैना बहुत प्रसन्न तो नहीं, वह पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती। हम भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, इस पिंजरे में बंद हैं तो बंधे हुए हैं, इस पिंजरे से निकलना ही चाहते हैं,
देह रूपी पिंजरे से, संसार रूपी पिंजरे से निकलना चाहते हैं, इसे ही मुक्ति कहा जाता है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। मैंने भी यही चाहती हूं, बंधन पसंद नहीं, मजबूरी है, किसी को भी पसंद नहीं, न हमें पसंद है, न पशु पंछियों को पसंद है। हर एक परमेश्वर ने बहुत इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बनाया है और वह ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहता है। मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, उनके कारण हम बन जाते हैं। पंछी भी बन जाता है, पशु साथ परमात्मा ने पेट दे दिया है उसके लालन पालन के लिए। पशु पंछी को भी बंधन में पड़ना पड़ता है और मानव को भी बंधन में पड़ना पड़ता है, मजबूरी कमजोरी। बहरहाल चाहता कोई नहीं, इस सब के बावजूद भी हर कोई चाहता है कि हमें मुक्त होना है। मैना भी प्रसन्न नहीं। किसी संत महात्मा से वो लिया, सुन लिया मैना ने, सत्य बोलने वाला व्यक्ति मुक्त होकर रहेगा, बात पल्ली बांध ली। अब मुझे कोई कहीं से सत्य बोलने का अवसर मिले तो मेरा कल्याण हो। राजा साहब को कोई व्यक्ति मिलने के लिए आए हैं, राजा साहब उनसे मिलना नहीं चाहते, तो मैना का पिंजरा गेट पर ही है। मैना को कहते हैं, मैना इन्हें बोल दो, राजा साहब ने कहा है कि राजा साहब घर पर नहीं है। याद कर ली, व्यक्ति जैसे ही आया, जैसा सूरत था वैसे का वैसा ही मैना ने कह दिया, राजा साहब ने कहा है, मेरी तरफ से कह दो कि राजा साहब घर पर नहीं है। शाबाशी देने की बजाय क्रुद्ध हुए, हुक्म दिया इस मैना को, इस पिंजरे से, यहां से, मेरे घर से निकाल दिया जाए, मेरे महल से निकाल दिया जाए। पिंजरा खुला, मैना उठ गई। वाह, किसी पेड़ पर बैठ के तो घोषणा करती है, जिंदगी में एक बार सत्य मिला तो पिंजरे से मुक्ति मिली। जो कोई जीवन भर सत्य बोलेगा उसे मोक्ष मिलके रहेगा। मैना कहती है, मैं लिख के देती हूं, मैंने जिंदगी में एक बार सत्य का पालन किया है और तत्काल मैं पिंजरे से मुक्त हो गई। ये सत्य बोलने का प्रताप है। ऐसे ही साक्षण सत्य पालन पर अनेक छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। अधिक से अधिक जितना हो सके, संसार है साधक जनों, हमारी बहुत कमजोरियां हैं, हमारी बहुत मजबूरियां हैं, और परमात्मा इस बात को जानता है। बहरहाल जो इन कमजोरियों इन मजबूरियों को लंग जाता है वह तो पार है ही है। उसके लिए, उसके उद्धार के लिए परमात्मा को भी कोई बहुत यत्न नहीं करना पड़ता। यत्न तो हमारे जैसे निकम्मों के लिए करना पड़ता है जो जगह जगह पर अपनी मजबूरी अपनी कमजोरी के कारण गिर जाते हैं। गृहस्थ के लिए, एक संसारी के लिए साधक चुनो कोई और विकल्प है नहीं। जगह जगह पर वह उसे झूठ बोलना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, और यहां ये सब कुछ कहा हुआ है कि छिपाना भी जो है वह चोरी है। तो आदमी क्या करे, बहुत कठिन काम है एक संसारी के लिए ऐसा जीवन यापन जैसा कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है, स्वामी जी महाराज ने लिखा है। महर्षि पतंजलि ने जो लिखा लिखा, पर चूंकि स्वामी जी महाराज ने लिखा है, इसको भक्ति प्रकाश में इंक्लूड किया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यथासंभव ही नहीं, हमारा भरसक प्रयत्न होना चाहिए कि जो गुण स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं उनको जीवन में उतारना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए।
स्वामी जी महाराज ने थोड़ी थोड़ी जगहों पर स्पष्ट भी किया है, यदि एक गृहस्थ को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो स्वामी जी महाराज एक गृहस्थ ब्रह्मचारी को कैसे परिभाषित किया जाता है उसकी भी परिभाषा लिखते हैं, स्पष्ट करते हैं। ऐसा गृहस्थ जो है वह ब्रह्मचारी ही कहलाने योग्य है। सब चीज स्वामी जी महाराज ने मानो वे हमारी कठिनाइयों को, एक गृहस्थ की कठिनाइयों को भली भांति जानते हुए स्पष्टीकरण किया हुआ है ताकि हम उनका अनुपालन कर सकें और उनसे लाभ ले सकें। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा दीपावली के इस महान पर्व पर। साधुजनों, आज फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं तो कल सुबह प्रस्थान करूंगा, तो सारे ही उत्सव आज का छोड़ के सारे ही उत्सव मेरे बाद में होंगे। तो आज आप सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई देता हूं।